हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार, साइबर सिक्योरिटी इंचार्ज भिवानी हरियाणा से। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये उन साथियों के लिए जरूरी है जो फोन का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं और लेट नाइट तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। हमारी वह बहन बेटियां जो घर से बाहर हॉस्टल में रहती हैं, उनके लिए भी एक बहुत जरूरी है। अगर आपकी बेटी बहन जो बाहर हॉस्टल में है, उस तक ये वीडियो पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं। अगर आप जाने अनजाने में वह व्हाट्सएप वीडियो कॉल उठा लेते हैं, तो दूसरी तरफ से अगर जेंट्स फोन उठाता है तो आगे से महिला की अश्लील वीडियो चला देते हैं और आपका चेहरा उसकी स्क्रीन पे चला जाता है और वो उसी स्क्रीन रिकॉर्डर का फायदा उठा के आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है, चलचित्र चल रहा है, सेम आपका चेहरा उसकी स्क्रीन पे चला जाता है और उसका स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके एक क्लिप तैयार करके आपके फोन पर व्हाट्सएप पर भेजा जाता है। उसके बाद खेल शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का। एक पुलिस अधिकारी बन के दिल्ली से कॉल आती है, होती नहीं है दिल्ली से, लेकिन ऐसा दर्शाया जाता है कि मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, मैं फलाना क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं। उसके व्हाट्सएप पे एक पुलिस अधिकारी की फोटो लगी मिलेगी, आपको धमकाया जाएगा कि आपने ऐसे जबरदस्ती किसी महिला की वीडियो बनवाई है और आपका चेहरा भी उस पे दिख रहा है और आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है। अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो आप उनसे बात कीजिए, जो जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर दूसरी कॉल आएगी कि आपने ऐसी एक वीडियो बनाई है और जबरदस्ती ऐसा किया है, आपकी सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो वायरल की जाएगी। मैं व्हाट्सएप से बोल रहा हूं, मैं यूट्यूब से बोल रहा हूं, इस प्रकार से आपको भ्रमित करके प्रेशराइज किया जाएगा। आप ये न सोचें आप एक पुरुष हैं, आप सोच के देखिए आपकी बेटी जो बाहर हॉस्टल में रह रही है और बाई चांस उससे गलती से वो कॉल उठ गई, तो उसका चेहरे के साथ दूसरी तरफ जेंट्स की क्लिप चला के वो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो आपसे अनुरोध है, सिर्फ इतना अनुरोध है कि ऐसी कोई भी व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से आने वाली कॉल को न उठाएं। यह संदेश हमारे समाज की, आपके परिवार की हर बहन बेटी तक पहुंचना चाहिए, उसको आप जागरूक कीजिए, सजग कीजिए कि जाने अनजाने में भी कॉल न उठे। कई बार ऐसा होता है कि आप शाम के समय या मॉर्निंग में बाथरूम में नहा रहे हैं, बच्चे ने पीछे से फोन उठाया, पापा की कॉल आई है, भाई की कॉल आई है और कॉल पिक करके आपको बाथरूम में पकड़ा दी और उसी दौरान स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं और आप भी अर्धनग्न अवस्था में अगले की स्क्रीन पे चले जाएंगे। समाज में आप किस किस को ऐसा संदेश देंगे कि नहीं, ये मेरा झूठा है, ये सच्चा नहीं है, ये है वो, आप टेंशन में आ जाएंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आम जनता तक, आपके परिवार के सभी सदस्यों तक पहुंचाएं। अगर फिर भी किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी उनके दबाव में बिल्कुल नहीं आना है। सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे जिस व्हाट्सएप नंबर से आपके पास वीडियो आ रही है उसी को रिपोर्ट कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे भी रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, नए नंबर से आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आता है तो उसके नीचे होता है ब्लॉग या रिपोर्ट, आप रिपोर्ट कीजिए। व्हाट्सएप उसको दो या तीन मैसेज जैसे ही आपके पास आते हैं आप रिपोर्ट करते हैं या दो तीन साथियों से रिपोर्ट करवाते हैं, उस नंबर के व्हाट्सएप नंबर को ही ब्लॉक कर देगा व्हाट्सएप। दूसरी, आप 1930 पे साइबर क्राइम की रिपोर्ट कीजिए। अगर आपसे दबाव में दे के आपसे पैसे ले जाते हैं तो तुरंत आप 1930 पे कॉल कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा वेबसाइट बनाया है, आपको कहीं बैंक में जाने की, पुलिस के थाने में जाने की जरूरत नहीं, आप तुरंत 1930 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।